अगर आपके पास भी बुलेट बाइक है और आपने उसका साइलेंसर चेंज करवा रखा है और प्रेशर हॉर्न भी लगवा रखा है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी बाइक को लेकर करनाल पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया हुआ है। जिन भी बाइकों पर ऐसे साइलेंसर लगे हैं जो पटाखे मारते हैं, उन्हें हजारों रुपए का चालान भुगतना पड़ सकता है। पिछले कई दिनों से करनाल ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहनों की धरपकड़ में लगी है। पिछले 2 दिनों में 35 से अधिक वाहन इम्पाउंड किए जा चुके हैं। आज भी करनाल ट्रैफिक पुलिस द्वारा रेलवे रोड स्थित लड़कियों के कॉलेज के बाहर विशेष नाका लगाया और नियमों की अवहेलना करने वाले वाहनों के चालान भी काटे। इस दौरान कई वाहन चालक अपील करते हुए दिखाई दिए तो कोई दलील देते हुए, लेकिन पुलिस के आगे किसी की कुछ न चली। जिस भी वाहन ने जो भी कमी दिखी उसका तुरंत चालान काटा गया। हजारों रुपए का चालान कटता देख कई बाइक सवारों के होश फाकता हो गए और वह उनसे माफी मांगते भी नजर आए। मौके पर कई वाहनों के प्रेशर हॉर्न भी उतरवा दिए गए और उनके चालान भी काटे गए। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और अभी समय देख रहे समाचार एक्सप्रेस में। आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हूं करनाल के रेलवे रोड स्थित जो कि लड़कियों का कॉलेज है, उसके बाहर मैं आपको दिखा सकता हूं कि मेरे पीछे खास तौर पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ऐसे वाहनों को पकड़ा जा रहा है जिनके कागजात पूरे नहीं है। खास तौर पर ऐसी बुलेट मोटरसाइकिल जो पटाखे बजाकर चलते हैं, जो हुड़दंग बजाकर चलते हैं, जिन पर प्रेशर हो रहा है, जिन पर कि ऐसे साइलेंसर लगे हुए हैं जिनसे ध्वनि प्रदूषण तो फैलते ही फैलता है, जिसके इसके अलावा आने जाने वालों के लिए भी वो खतरा पैदा हो सकता है। क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बुलेट मोटरसाइकिल का ट्रैफिक पुलिस के द्वारा प्रेशर हॉर्न उतरवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो आगे इनकी मुहिम है उसके अंतर्गत जो साइलेंसर भी बदले गए हैं उनको भी लगातार उतारा जाएगा। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस समय इस ट्रैफिक इंचार्ज राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, सबसे पहले आपका समाचार एक्सप्रेस में स्वागत है। सर, स्वागत है जी आपका भी, नमस्कार। राजेंद्र जी, आज जो मुहिम चलाई जा रही है उसके अंतर्गत आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? देखो, आम पब्लिक की शिकायत पे ये मुहिम में हफ्ता भर से चालू है। ये कुछ शरारती तत्व जो घर से पढ़ाई के नाम पे या कोचिंग के नाम पे शहर में आते हैं और खासकर लड़कियों के कॉलेज के आसपास या जहां लड़की कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करती है वहां तकरीबन बुलेटों के पटाखे, प्रेशर हॉर्न और हुड़दंगबाजी करते हैं, उसके लिए ये स्पेशल अभियान चलाया गया है। जैसे कल सेक्टर 13 की मेन मार्केट में था, सवेरे निरंकारी चौक पर था और अब यहाँ है और ये लगातार जारी रहेगा। इसका चालान बहुत ही भारी भरकम है। जो पटाखे मारते इसका 10,000 रुपये फाइन है और जो ये अम्प्रेशर उतरवा रहे हैं इनका भी 10,000 रुपये फाइन है। देखिए, ये थे राजेंद्र जी, ट्रैफिक इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस से हैं हमारे साथ बात करने के लिए। इनका ये कहना है कि ऐसे लड़के जो कि घर से तो पढ़ाई के नाम पर निकलते हैं लेकिन उनका मकसद या तो जो लड़कियों का कॉलेज है या फिर लड़कियां जहां पर कोचिंग लेने के आते हैं उनके आसपास मंडराना और इसके अलावा अपनी बाइकों को मॉडिफाई करवाने का जिस तरह से चलन चला हुआ है उसके अनुसार साइलेंसर बदलवा कर पटाखे बजाना या फिर प्रेशर ऑन के माध्यम से एक तो ध्वनि प्रदूषण को क्रिएट करना, दूसरा आने जाने वालों के लिए यह घटना का सबब बन सकता है। राजेंद्र जी, आपने बताया कि पिछले एक सप्ताह से लगातार यह मुहिम जारी है, इसका भारी भरकम चालान भी है। अगर हम बात करें अभी तक कितने वाहनों को इम्पाउंड किया जा चुका होगा? बुलेट मोटरसाइकिल करीब 30-35 के करीब बुलेट मोटरसाइकिल इम्पाउंड कर दी गई हैं 2 दिनों के अंदर अंदर और आगे भी ये जारी रहेगा। इनके पेरेंट्स को हम आपके द्वारा यही संदेश देना चाहेंगे कि वे अपने बच्चों की जो है बाइकें चेक करें, जो ये साइलेंसर में मॉडिफाई करा लेते हैं या प्रेशर ऑन लगाते हैं या नंबर प्लेट उलट पुलट कर देते हैं, तो उनसे अनुरोध रहेगा कि अपने बच्चों की बाइक चेक करें, उनको डॉक्यूमेंट्स दे के भेजें, हेलमेट अवश्य डलवाएं, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, अन्यथा आपने भारी भरकम जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। देखिए, राजेंद्र जी ने बताया कि इस समय ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करने वालों को भारी भरकम जुर्माने का अदा करना पड़ सकता है। जिस तरह से साइलेंसर का चालान भी 10,000 रुपये है, इसी तरह से प्रेशर ऑनर लगाने का चालान भी 10,000 रुपये। इन्होंने हमारे माध्यम से समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से आम जनता से अपील की है कि जिन्होंने अपने बच्चों को वाहन दे रखे हैं वो अपने बच्चों के वाहनों को जरूर चेक करें, उन बच्चों के वाहनों के दस्तावेज जो कागज है उनको जरूर चेक करें और हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। मैं आपको दिखा दूं इस समय यहाँ पर ना तो दलील चल रही है ना कोई अपील चल रही है। कुछ लोग फोन के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस को फोन करवाने का प्रयास कर रहे थे, कुछ कहीं ना कहीं अप्रोच लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि इस समय ऑनलाइन चालान काटा जा रहा है, ऑनलाइन चालान भी काटा जा रहा है। ये सर, आपका नाम? मैं हेड कांस्टेबल बलदेव सिंह हूँ। सर, बलदेव सिंह जी, ऑनलाइन चालान का आप क्या सुविधा है लोगों के लिए? अगर डॉक्यूमेंट्स है तो उनको चालान किया जाता है, नहीं तो अपना भी ओन पेस पैसे वगैरह भुगत लो तो ही, अगर जितने का जुर्माना, अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह ना है तो उनको इम्पाउंड किया जाता है गाड़ी का। तो सर, अगर जो प्रेशर हॉर्न लगा हुआ है कितना चालान है? इसका 10,000 का चालान है सर। अभी आपने इनका जो चालान काटा वो कितने का काटा? ये इसका टोटल चालान हुआ सर
23,500 का है इस गाड़ी। मैं फिर आपको बता दूं कि प्लीज हमारी भी आपसे अपील है कि अपने वाहनों को ठीक तरह से रखें, अपने वाहनों के दस्तावेज पूरे रखें, अन्यथा भारी भरकम चालान भुगतना पड़ सकता है। एक मोटरसाइकिल जो मेरे सामने खड़ी है, इसका जो चालान काटा गया है वो 23,000 रुपये काटा गया है। मैं आपको फिर बता दूँ कि 23,000 रुपये को 23,000 कोई छोटी रकम नहीं होती। 23,000 इस गाड़ी का चालान कटा है। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को अपना दलील भी की जा रही है, अपील भी की जा रही है। हाँ जी बताइए आप। ये 23,500 रुपये का चालान काटा हुआ किस चीज़ का है? 10,000 रुपये दिखाया बंदा, 23,500 कहाँ से भरेगा? 23,500 का चालान काटा हुआ है कहाँ से भरेगा? आर सी के लिए मैंने कहा सर मेरे को टाइम दो, मेरा 10 किलोमीटर दूर है, बंदा आगे आर सी लेता है। आशीष है सर, यही सर सैदपुर से। कुछ पटाखे बजा रहे थे, मैंने स्पेशल जो बटन होते ना पटाखों वाले, वो बटन बंद करवाए कि यार तुझ ले जाते पटाखे मारते नहीं सुने, चाबी बजाओ चाबी खराब हो पड़ी, उससे हल्का फुल्का घाटा बच गया होगा। दिखाया मैंने स्पेशल बटन, जहाँ मर्जी चेक लो बटन बंद है उसका, फिर भी 23,500 रुपये का चालान काटा हुआ जी। देखिए ये थे आशीष जी, इनका कहना है कि हमारा चालान काटा गया, वीडियो बनी हुई है इनके पटाखे की, वीडियो बनी हुई है मेरे पास, बटन से दिखा दो। तमीज से बात करिए मेरे साथ, आप सामने खड़े, मैं कह रहा हूँ इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। टाइमिंग दिया सरकार के, ये टाइम हमारे पास नहीं है, इसको 1 घंटे का टाइम दिया, 1 घंटा अगर मेरे को घर से मैं दिखा देता हूँ घर से कितने बजे निकले। ठीक है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि डॉक्यूमेंट से हम घर से मंगवाएंगे इनके, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। 3,500 भरेगा ये, आप भरेंगे ना भरेंगे तो कोर्ट पड़ी है, कोर्ट में जा सकते हैं आप, बस घर से ला सकता हूँ मैं। नहीं आप ये मैं आपको बता रहा था, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि किस तरह से, इस तरह से अपील चल रही है। ये लड़कियों के कॉलेज के, ये स्पेशल लड़कियों के कॉलेज के सामने यहाँ पर मुहिम चलाई गई है, जिस तरह से हमें ट्रैफिक इंचार्ज ने यह बताया गया था कि अक्सर देखने में आता है कि महिला कॉलेज और महिला जहाँ पर लड़कियाँ कोचिंग लेने के लिए जाती हैं वहाँ पर ऐसे शरार, इनको बैड एलिमेंट्स इन्होंने कहा है। इनका ये कहना है कि इस तरह के बच्चे अपनी मोटरसाइकिल को मॉडिफाई करवा कर अपने दस्तावेज पूरे नहीं रखते। अभी आपने मेरे साथ अभी देखा भी था कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिस और एक युवा के बीच में बहस हुई है। युवा का कहना है कि किस तरह से भारी भरकम चलान उसके हाथ में थमा दिया, उसको भरेगा कौन, जबकि उनका ये कहना था कि इससे पटाखे की, ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि हमारे पास इसकी पूरी की पूरी वीडियो है जिसमें बच्चे लड़के की बाइक द्वारा पटाखे बजाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से अभी भी फिलहाल सड़कों पर बुलेट मोटरसाइकिल चलती हुई आपको नजर आ जाएंगे जिनके द्वारा पटाखे बजाए जा रहे हैं। हम आप समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से फिर आपसे अपील करते हैं, कृपया करके अपने वाहनों को इस तरह से मॉडिफाई ना करवाएं, और पेरेंट्स से अपील है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से कि वह अपने बच्चों के वाहनों का ध्यान रखें और बच्चों के दस्तावेजों का भी पूरा ध्यान रखें ताकि उन्हें भारी भरकम जुर्माना अदा ना करना पड़े। मैं तरुण नंदन, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।